सो हे एवरीवन, साथियों, हिमाचल यूं तो दिल्ली के काफी नजदीक है, पर जब आप दिल्ली के न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि दूरी काफी ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट मेनस्ट्रीम मीडिया इन सारे इश्यूज को, हिमाचल प्रदेश के इश्यूज को नेग्लेक्ट कर देती है। राष्ट्रगान यूं तो हिमाचल के बगैर पूरा नहीं हो सकता, पर जिस तरीके से इसे इग्नोर किया जाता है, इट फील्स लाइक कि हिमाचल सिर्फ राष्ट्रगान तक ही सीमित है। एग्जैक्टली, अगर डिस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी रीजंस की बात की जाए तो जुलाई के महीने बारिश से काफी तबाही आई थी। अब अगस्त में बारिश अभी काफी ज्यादा हो रही है, पर इसके अलावा इंडिया के बाकी स्टेट्स में बारिश एवरेज से भी कम हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश एवरेज से बहुत ज्यादा हो रही है। मॉनसून में 90 दिनों के भीतर जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा सिर्फ 54 डेज के अंदर हुई है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को अगर अच्छे से देखा जाए तो एग्जैक्टली ये दिखाई देती है कि जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश के 21 दिनों के अंदर 115% एक्सेसिव रेनफॉल हुई है। नॉर्मली जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में एवरेज 165 मिलीमीटर बारिश होती है, पर उसी वक्त हिमाचल प्रदेश में 354 की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहां के लोगों का कहना है कि इस बारिश ने लगभग 50 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और सदियों में ऐसी बारिश कभी देखने को मिलती है। और हिमाचल प्रदेश में 7 से 10 जुलाई के बीच 41.6 मिलीमीटर बारिश होने की जगह 223 मिलीमीटर यानी कि 5 गुना ज्यादा हुई है, वो भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर। एज पर मीडिया रिपोर्ट 361 पीपल 361 लोगों की मौत हो गई है, 2000 से ज्यादा घर ढह चुके हैं, 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है, 4,700 गौशाला और 300 से ज्यादा शॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और इसके अलावा 2017 से 2022 के रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 घरें अभी तक डिस्ट्रक्ट हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ मानसून की वजह से। 16,000 से ज्यादा जानवर और पक्षियों की मौत हो चुकी है, करीब 10,000 मवेशियों की जान चली गई है या फिर पानी में बह गए हैं। पिछले साल भी 200 लोग सिर्फ बारिश के कारण मर गए थे। और ये जितनी भी बातें मैंने आपसे की है ये सरकारी आंकड़ा है। शिमला, कुल्लू, हरिमपुर, इन जिलों की यह भयावह स्थिति है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप 2013 की उत्तराखंड की कोई डिस्ट्रक्टिव डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। जिस तरीके से इंसानों ने पहाड़ को काट काट कर मैदान बनाया है, अब पहाड़ उसके अतिक्रमणों को मैदान बनाने में लग गई है। बट यहाँ पर मुझे सबसे बुरी बात लगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस डिजास्टर को अच्छे से रिपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये 2023 का सबसे बड़ा डिजास्टर था। इसके लिए मुझे सारे रिकॉर्ड्स निकालने के लिए लोकल न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज रिपोर्ट्स और लोकल चैनल्स को देखते हुए चलना पड़ा था। एंड आई डोंट थिंक ये एक नेचुरल डिजास्टर है। अगर नेचुरली अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा अगर बारिश हो भी गई तो स्टेट मशीनरी के पास ये इफेक्टिवनेस होनी चाहिए थी कि सारी की सारी पानी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू निकल जाए, पर निकलेगी कैसे? ड्रेनेज सिस्टम का जहां पर फंक्शन होना चाहिए था वहां पे तो इन्होंने अवैध घर बना के रखे हैं। और नहीं, एक सेकेंड, सिर्फ अवैध घर की बात नहीं है, वैध घर भी बनाया है जहां पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्टिवली कहा है लोगों को। और जिन इलाकों में गवर्नमेंट ने इजाजत दी है कि यहां पर 2 मंजिला घर बननी चाहिए, वहां पर वैध जगहों में अवैध तरीके से 2 मंजिलों की जगह 7 मंजिला घर बनाई गई है। उसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पे रोड कंस्ट्रक्शन करते हुए जिन पेड़ों को, जिन पहाड़ों को उनकी जगह से हटाया गया है, आज उसी का अंजाम है ये। क्योंकि पहाड़ जो ढह रही है आज हिमाचल प्रदेश में, उसे बहुत ही आसानी से रोका जा सकता था अगर वहां पर पेड़ होती तो, क्योंकि पेड़ ही वो चीज है जो मिट्टी को रोक कर रखती है। और डिस्ट्रक्शन इस लेवल का है यहाँ पर, खैर आप वीडियो के एक बार देखें। ओके, सो ये है चंडीगढ़ मनाली हाईवे जिसका आधा पार्ट व्यास नदी बहाकर ले गया है। ये है हिमाचल का एक ब्रिज जिसमें नदी ने वो सारे कचड़े डाल दिए हैं जो लोगों ने कभी नदी में फेंका था। और ये है मनाली का एक स्ट्रीट जहां पर जंगल ने अपनी सारी मिट्टी पानी में फेंक दी है, जो कि सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर यहां पहुंच गई है। और जो कुछ भी हम लोगों ने हिमाचल में देखा है उससे लोगों को अब डर लग रहा है। क्या कार, क्या घर, क्या होटल, क्या स्टोर्स, बारिश आई और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। एक तरह से ये तमाचा है नेचर का जो इंसानों के गालों पर बज रही है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हमने 2013 में उत्तराखंड में सेम डिजास्टर देखा था, या फिर 2018 वाटर क्राइसिस शिमला के अंदर आई थी तो लोग पानी पीने के लिए तरस गए थे, और 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर 200 लोगों की जान गई थी एक ऐसे ही तूफान के अंदर, एक ऐसे ही डिजास्टर के अंदर। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये सब कुछ रिपीट हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन दैट इज टूरिज्म। लेट मी करेक्ट,
इर्रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ये सामने एक मॉल है, यहाँ पर जो भी हिमाचल घूमने आता है वो यहाँ जरूर आता है। बात यहाँ पर उठती है, अगर शिमला ही नहीं बचेगा तो किस शिमला में आप गर्मियों के सीजन में शिमला घूमने आएंगे? और पहाड़ सिर्फ छुट्टी बिताने के लिए नहीं है, बल्कि वो सुरक्षित रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आने वाले मॉनसून में पहाड़ पेड़ों का नेचुरल क्लाइमेट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर इनको सिक्योर किया गया तो इंसान सेफ हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स से, क्योंकि पहाड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो इन इलाकों में आपको तूफान बारिश ओवरलोडेड बारिश के बीच का ऑब्स्टेकल यही होगा। और मेनली इसमें टूरिस्टों का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि टूरिज्म के नाम पे ही पहाड़ों को बर्बाद किया गया और पहाड़ों से कमाए हुए पैसों से प्लेन इलाकों की इकोनॉमी स्टेबल रहती है। अब ये सवाल सिर्फ नॉर्मल टूरिस्टों से नहीं बनता, नॉर्मल जनता से भी बनता है। क्या आप आज अपनी आंखों के सामने इन पहाड़ों को नहीं देख रहे हैं, इन नदियों को नहीं देख रहे हैं, इन पेड़ों को नहीं देख रहे हैं? हिंदी प्रोविंसेस के लोगों को ना ही मणिपुर दिखाई देती है और ना ही हिमाचल प्रदेश दिखता है। इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट में 10,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। और इस प्रोविंस के यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि वो 10 से 15 करोड़ के राहत, इन राज्यों के सीएम 10 से 15 करोड़ की मदद का ऐलान कर रहे हैं ट्विटर पे या फिर एक्स पे। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला का बहुत बुरा हाल है। ये वीडियो 25 अगस्त का है। इस दिन शुक्र है बारिश नहीं हो रही थी, पर वहां के लोग अब बारिश से डरने लगे हैं। किसी को नहीं पता है कि कब कितना बारिश हो जाए और कब कौन सा हिस्सा गिर जाए। पर इसके अलावा लोगों के माइंड को क्या इफेक्ट हो रहा होगा और साइकोलॉजिकली कितना अजीब फील कर रहे होंगे, क्या वो रात को बिना डरे सो भी पा रहे होंगे? इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि पैसे से पहले सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान का। आप जिंदा रहोगे, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से बचोगे, तब ना पैसों की बात करोगे या उसके बारे में सोचोगे। और बाय चांस किसी इंसान का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई है शिमला के अंदर कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल IGMC के छतों से पानी टपकने लगा है और वार्ड्स भर गए हैं। और इन डिजास्टर्स की वजह से हमारा सारा का सारा फोकस डिजास्टर के ऊपर आ जाता है, पर उन मरीजों का क्या जो वहां पर हॉस्पिटलाइज होंगे और तबाही की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा होगा। साथियों, यहां पर देखने वाली बात ये होगी कि हमने 2022 के डिजास्टर को बिल्कुल भुला ही दिया है। किसी भी समस्या को भुलाकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एनवायरमेंट ने जो ह्यूमंस को एज अ गिफ्ट माउंटेन्स दिए हैं, उसका अधिकतम दोहन हो चुका है। और अधिकतम दोहन अगर होगा और उसका अधिकतम या फिर एक्सट्रीम यूजेज नहीं कर सकते आप। नए शहर बसाने के नाम पे नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज करना सही नहीं होगा। आज शिमला की हालत को देखकर ये लग रहा है कि इसके फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर एक बार सोच फिर से सोचने की जरूरत है, और इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को यानी कि सो कॉल्ड डेवलपमेंट को लगाम लगाने की जरूरत है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए नॉर्मल सिटीजन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ साथ। इसी टॉपिक को लेकर द हिंदू में टिकेंद्र सिंह जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है द शिमला क्राइसिस के नाम से। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक बार सुने आप इसको, गौर से सुनिएगा एक बार। लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित ढंग से, इट्स अ प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयस। ये हिमालय का बहुत ही सुनियोजित तरीके से विनाश की गाथा लिखी गई है, और ये गाथा खासकर पिछले 3 दशकों में लिखी गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल नुकसान हो रहा है, इस साल ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप थोड़ा क्लाइमेट साइंटिस्ट को देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि खासकर जो IPCC रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो ये कह रही है कि जो हिमालय है और कोस्टल इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेकर। उसका मतलब ये है कि जो हमारे जो पहले मान लीजिए 1 शताब्दी में 1 होता था, अभी वो 1 शताब्दी में 100 से ज़्यादा होंगे। और जो रेनफॉल पैटर्न है वो छोटे समय पर ज़्यादा बारिश होगी, तो हमें मालूम है कैसा हो रहा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि ये तैयारी में एक बहुत बड़ा नया रास्ता शुरू हुआ 1990 के दशक के बाद। और जब हमने एक नया रास्ता तैयार किया, क्योंकि हिमाचल अपने आप में अगर आप मॉडल देखेंगे 70 से लेकर जो 90 का मॉडल है, जिसको मैं डॉक्टर परमार का मॉडल कहता हूँ, जो काफ़ी इंक्लूसिव है, काफ़ी पार्टिसिपेटरी है, जिसमें प्रकृति के साथ जुड़कर काफ़ी बात की गई है। लेकिन 90 के बाद से ये कहा गया केंद्र सरकार ने कि आपको अपना वित्तीय घाटा जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, और हम आपकी जो मदद कर रहे थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, वो हम ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। अब अगर आपको वित्तीय घाटा कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचना शुरू किया। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की गाथा नहीं है,
संपूर्ण हिमालय पर्वत में आप देखेंगे ऐसा ही हुआ है। नेचुरल रिसोर्स क्या है, हमारे पास पानी है, हमने ज़्यादा पानी के परियोजना लगानी शुरू की आंखें बंद करके। टूरिज्म है तो टूरिज्म पे हमने आंखें बंद करके कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। RCC जो हमारे यहाँ पर बनता ही नहीं है, जो बाहर से मटेरियल आता है, और इसके साथ हमने रोड को चौड़ा करना शुरू किया। आज हकीकत यह है कि ज़्यादातर आपदा जो है वो आपका हाइड्रो पावर की वजह से है। ज़्यादातर आपदा है आपके जो रोड दो मुख्य फोर लेन हो रहे हैं वो भी बंद हैं, क्योंकि पूरा 90 डिग्री पर उसको काट लिया है, जो पहाड़ में इस तरह से कटिंग नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं इससे ना तो इकोलॉजी बची है, ना लोग बचे हैं। करीब करीब 400 डेथ्स हो गई हैं, 12,000 करोड़ का एसेट है का नुकसान। और हम इसमें ये नहीं गिन रहे हैं जो अभी पिछले 2 महीनों में हमारे करीब 1,000 करोड़ की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसका नाश हो गया है। तो हिमाचल को जो चाहिए वो टिकाऊ विकास चाहिए, जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो और जो इंक्लूसिव हो। उसका मतलब ये है कि लोगों के आधार पर विकास होना चाहिए, और ख़ासकर बिल्डिंग पैटर्न यहाँ पर जिस तरह हमने देखा आनी में और जगह पर, पानी पर कम से कम नो मीन्स नो होना चाहिए। पानी के आसपास कोई सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से वहाँ पर कोई घर नहीं बनने चाहिए। साथ में बिल्डिंग टाइपोलॉजीज जो है वो बिल्डिंग टाइपोलॉजीज पर्वतीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, ना कि जिस तरह चंडीगढ़ में है एक लैंड यूज फॉर्मूला लगा दिया और FAR 2.5 का दे दिया। हिमाचल प्रदेश में लोगों को बचाना कितना मुश्किल हो रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की हालत खराब होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, यानी कि वर्क फोर्स की। पर हमारी सरकारी व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि जहां पर 10 लोगों की जरूरत है वहां पर सिर्फ 1 लोग मिलेंगे आपको, और उसमें भी आपको वो कार्य पूरा करना होगा। हैरत अंगेज बात तो ये भी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आता है, जबकि इसका कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ओवरऑल बटन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आ जाता है, DM के अंदर आ जाता है, जो उनके काम को, उनके वर्क को, वर्कलोड और इंक्रीज कर देता है। तो इन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ पीपल एंड लैक ऑफ वर्कफोर्स। इस वक्त में किसी ऐसे हीरो की जरूरत है जो इन चीजों को समझे। इस वक्त में किसी एक ऐसे हीरो की जरूरत है जो इन सोसाइटी में इन अतिक्रमणों को रोके, वैध भी और अवैध भी। जब तक इन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी सोसाइटी, यानी कि कोई भी प्रोविंस, कोई भी स्टेट डेवलपमेंट की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। फर्स्ट पॉइंट, टूरिस्ट। अब बात उठती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो टूरिस्ट जब आते हैं घूमने के लिए तो वहां पर कूड़ा कचरा कम फैलाएं, और जब वो वहां से जाएं तो या फिर जंगलों को, पेड़ों को, पहाड़ों को जैसा है वैसा ही छोड़ दें। और अगर ये इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। गवर्नमेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट, लोकल कम्युनिटी, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम को लॉन्च तो किया है। इसमें कहते हैं वाटर कंजर्वेशन होगा, वेस्ट की रिसाइकलिंग होगी और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन ऑन ग्राउंड जब टूरिस्ट अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, अपनी तहजीब भूल जाते हैं, माउंटेन्स को, ट्रीज को, जंगलों को खामखा नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है या तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए या फिर इन्हें किसी तरीके से रोका जाए ऐसा कोई कार्य करने से। कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स के अंदर जिस तरीके की करप्शन, भ्रष्टाचार अगर जिस हिसाब से चल रहे हैं, जहां पे उसे अगर अच्छे से देखा जाए, तो जहां पर 2 मंजिला बिल्डिंग बननी चाहिए वहां पर 7 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, और वो कल को वहां के लोगों को कष्ट ही देगी, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता बनाएगी ही बनाएगी। वो तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये घर अगर सीमेंट का बना हुआ है तो वहां से वो पानी क्रॉस नहीं होगा, वो उसे तोड़ते हुए निकल जाएगा। और गवर्नमेंट को यहां पर भी नजर रखना होगा। अब बात करते हैं लोकल्स की। इनके लिए पहाड़ सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, और इनका मेजर पोर्शन, और हम सबको अच्छे से पता है कि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी का मेजर पोर्शन टूरिज्म से ही आता है, टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा खिलवाड़ करते रहोगे, जैसी आपदा आई थी 2013 में उत्तराखंड के अंदर, 2018 में हिमाचल प्रदेश के अंदर, 2022 में अगेन हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर 2 लोगों की मौत हुई थी, ये बार बार होगा फिर ऐसा। अगर इतना ओवर बर्डन कर दोगे पहाड़ों को तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, और अगर पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा। सो एवरीवन, आई थिंक आपको ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।